ऐसा सुनने में आता है कि जिन लोगों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है उनको हार्ट अटैक्स आते हैं कुछ रेगुलर इंटरवल, मतलब कुछ एक समय बाद. तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, इसमें कुछ कमी पाई थी, कैसा रहा? जो हमने पहले रिसर्च जो शुरू की थी, तो हमने पहला रिजल्ट जो हमारा रिसर्च का नाम था माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल जी, और हमने उसके 2 साल के बाद रिपीट एंजियोग्राम किए थे. तो क्योंकि सभी पेशेंट्स हमारे पास एंजियोग्राफी करा करके आए थे, उनके ब्लॉक्स थे, और 80% पेशेंट्स में हमारे दो या तीनों ही आर्टरी ब्लॉक थे. सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे थे जिनकी हम एक ही आर्टरी ब्लॉक थे जी. तो मतलब ज़्यादातर एडवांस डिजीज़ वाले पेशेंट्स थे जिनको 70% ब्लॉक या उससे अधिक ब्लॉक. लगभग 33 ब्लॉक ऐसे थे जो 100% ब्लॉक थे. तो जब इनका रिपीट एंजियोग्राम का समय आया 2 साल के बाद, तो उनकी फिर एंजियोग्राफी शुरू हुई. और शुरू में तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि शायद ब्लॉक खुलेंगे नहीं खुलेंगे. बल्कि पहले एक पेशेंट जयपुर के पेशेंट थे, उनका मुझे सुबह फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे आज दिन में रिपीट एंजियोग्राम होने वाला है जी. आपके एडवाइस के अनुसार आपने कहा था, तो आप मेरे लिए मेडिटेशन करिएगा, मेरा ब्लॉक खुल जाए. तो मैं भी मन में मतलब ऐसा था कि साइंस कह रही थी मेरे का, जो साइंटिफिक माइंड कह रहा था नहीं खुलेंगे, किंतु मेरा जो अनुभव था वो कह रहा था खुलेंगे, खुलने चाहिए. क्योंकि जो मैंने पीछे जो विजन्स किए थे, जो मेरा अंदर की जो आवाज़ थी ना, जो तो वो कह रही थी नहीं खुलना चाहिए. तो 12 बजे के आसपास मुझे अपने जो ओपीडी में था, तो मुझे फ़ोन आया एक डॉक्टर का, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वहाँ के, उनके जिन्होंने पहले एंजियोग्राम किया था उन्होंने दोबारा किया था. उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता आई एम सरप्राइज, या तो पहले वाला एंजियोग्राम गलत था या दूसरा ये वाला जो अब मैं कर रहा हूँ गलत है. ब्लॉक कहाँ गया मुझे पता नहीं लग रहा है. हाँ 90% ब्लॉक थी LAD लेफ्ट एंट्री डिसेंट, जो हार्ट के आगे वाले हिस्से को सप्लाई देती है, और वो मतलब लगभग 30% ही बची थी. 30% ब्लॉक बचा था. तो मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया हूँ. तो मैंने कहा देखो आपने पहला एंजियोग्राम किया, अभी भी आप कर रहे हैं. तो मतलब ये सरप्राइजिंग था हमारे लिए, सरप्राइजिंग था कि इतना ब्लॉक 90% 30% हो गया विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स विदाउट एनी एंजियोप्लास्टी बाईपास कुछ भी. मतलब ब्लॉक ऐसे खुल गया. हम लोग सोचते 5% 2% खुलेगा 3% खुलेगा. डी नॉर्ज की स्टडी में 2% के आसपास खुला था, तो बॉर्डरलाइन था. अभी जो है इतना परसेंट खुल गया, 60% मतलब कितना हो गया, बहुत ज़्यादा खुल गया ना, मतलब 66% के आसपास खुल गया. तो ये हमारे लिए एक बहुत नई बात थी. तो फिर ऐसे फिर और लोगों के एंजियोग्राम्स होते गए, लोगों के और जिन सारे जो पेशेंट्स थे उनके एंजियोग्राम्स होते गए, और लोगों के फिर मैं सोचता था कि सबके ब्लॉक खुल जाएंगे. तो मैं अपने आप से बात करता था, डीप इनसाइट में जाके बात करता था कि सबके ब्लॉक खुल जाए. तो कितने मुझे लगता है अंदर से फिर आवाज़ आती थी नहीं सबके ब्लॉक कैसे खुलेंगे, जितना लोगों ने फॉलो किया उतने ही ब्लॉक खुलेंगे. जितना जितना इस प्रोग्राम अटेंडेंस को जितना सिंसियरली किया हुआ, जितनी अपने नेचर को चेंज किया होगा, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाया हुआ, बिहेवियर में चेंज लाया हुआ, उतने खुलेंगे. और सचमुच में ये देखना में आया कि जो 50% से जिन्होंने कम फॉलो किया उनके ब्लॉक नहीं खुले, जिन्होंने 50% से ज़्यादा फॉलो किया उनके ब्लॉक खुले. मैं तो ये देखने में आया कि जैसे 50% फॉलो किया मतलब 50% नहीं फॉलो किया, 50-50 जीरो हो गया, मतलब नो चेंज. अगर उसने 40% ही फॉलो किया तो 40-60% नहीं किया तो ब्लॉक बढ़ गया. और तो बढ़े ना जिन्होंने नहीं, मतलब 40% ही फॉलो किया ना, तो 60% नहीं किया ना, 60% फॉलो किया उन्होंने 40% नहीं किया, मतलब उनका 20% ही चेंज हुआ. मैंने बीच में एक बार बात की थी कि 100% जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तो वो ट्रीट भी नहीं किए जाते. हाँ वो ट्रीट भी नहीं किए जाते. हाँ वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लेशन मतलब क्रॉनिक हो जाते हैं, टोटल ऑक्लूजन, उसमें कैल्शियम जम जाता है, दे बिकम लाइक स्टोन्स. तो स्टोन की तरह से वो जम जाते हैं बिल्कुल, एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकते. तो उनकी कितनी बड़ी ऑप्शन खुल गई कि मतलब एटलीस्ट वो, और उसके आगे भी आर्टरी पूरी खराब हो जाती है, उसमें बाईपास भी यूजली नहीं कर पाते, पूरी आर्टरी बंद हो जाती है. तो ये हमने देखना है कि इसमें जो इस प्रोग्राम में जब ये देखा गया कि 33 में से 19 ब्लॉक खुल गए 100% ब्लॉक्स, जो हमारे लिए बहुत बहुत आश्चर्य की बात है. तो ये जो है माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल में ऐसे और देखने में आया, इस ग्रुप में जिन्होंने इस प्रोग्राम को 50% ज़्यादा फॉलो किया उनको हार्ट अटैक्स भी ना के बराबर आए, उनको बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ी. जिन्होंने 50% से कम फॉलो किया था उनको तकलीफ हुई क्योंकि वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, वो डाइट एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे थे किंतु उन्होंने राजयोग मेडिटेशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया था. डाइट एक्सरसाइज तो फॉलो कर रहे थे किंतु डाइट एक्सरसाइज और कंट्रोल ग्रुप पर भी ऐसे हमने देखा. जो कंट्रोल ग्रुप था उन्होंने हमने फिर कंट्रोल ग्रुप को जो हमने आबू हेल्थी हार्ट ट्रायल किया उसको हमने 1 साल पर एंजियोग्राफी कराई,
तो उसमें हमने देखा कि जो कंट्रोल ग्रुप है वो उनके ब्लॉक खुले नहीं बल्कि बढ़ गया, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को फॉलो किया उनके ब्लॉक्स खुले, 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुल गए।